बहुत बहुत सालों पहले एक धनवान राज्य में और वहां दो कौवे रहते थे। वे दोनों पति और पत्नी थे। वे दोनों महल के सबसे बड़े और शानदार पेड़ पर रहते थे। पेड़ के पास ही एक दुष्ट अजगर सांप का घर था। ये जानकर भी कि अजगर सांप वहां रहता है, वे खुशी खुशी रहते थे। रोज सुबह भोजन के तलाश में दोनों साथ साथ उड़ जाते थे। और शाम को घर आ जाते थे। वो शाम को घर लौटते समय महल की जगमगाहट को देखते थे। और घर पहुंचकर आराम से सो जाते थे। एक दिन मादा कौवे ने अंडे दिए और कौवे इससे बहुत खुश थे। उस दिन जब शाम को वो वापस घर आए तो अंडे वहां नहीं थे। दोनों बहुत दुखी हुए। थोड़े दिनों के बाद मादा कौवे ने फिर और अंडे दिए और दोनों भोजन के तलाश में उड़ गए। जैसे ही कौवे घोंसले को छोड़कर उड़े, अजगर ऊपर उनके घोंसले में पहुंच गया। और उनके अंडों को खा गया। कौवे ये सब देखकर भौचक रह गए। दोनों कौवे बहुत उदास हो गए। दोनों कौवों ने इस बारे में रात को बात की। ये जरूर उस अजगर का काम है जो इस पेड़ में रहता है। ये ही हमारे बच्चों को खा जाता है। और कितने बच्चे मुझे खोने पड़ेंगे। तुम घबराओ मत, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। मैं वादा करता हूँ इसके बाद वो हमारे बच्चे नहीं खाएगा। दूसरे दिन चालाक कौवा नजदीक के तालाब के पास पहुँचा। वहाँ रानी अपने दासियों के साथ रोज नहाने आती थी। तभी कौवे की नजर एक जेवर पर पड़ी। जब कोई नहीं देख रहा था तब कौवे ने चुपके से कीमती हार चुरा लिया जो तालाब के किनारे जेवर और कपड़ों के साथ रखा था। कौवा हार लेकर जल्दी से उड़ा और सिपाही उसका पीछा करने लगे। उसने हार को सांप के घर में डाल दिया और उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ गया।
और सिपाही ने उसे देख लिया। और जैसे ही सिपाही ने हार निकालने के लिए अपना हाथ वहां डाला, हार की जगह उसके हाथ में अजगर सांप आ गया। सांप को देखते ही सिपाहियों ने अपने भाले से उसे मार डाला। सिपाहियों ने अंदर से हार निकाल लिया और कौओं को बिना कुछ किए ही वापस लौट गए। दोनों कौवे उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा ये है, कमजोर भी बुद्धिमानी से अपनी तकलीफ दूर कर सकता है।